मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर कुसुम भट्ट हैं, जो कि सांस्कृतिक नगरी पौड़ी की पैदाइश हैं, पौड़ी में ही पली बड़ी और अब ये दिल्ली में रहती हैं। फोक आर्टिस्ट हैं बेसिकली, लेकिन गजलों में और जो शास्त्रीय गायन है उसमें खास महारत है आपकी। कुसुम जी, स्वागत है आपका जागो उत्तराखंड में। और सबसे पहले मुझे खुशी यह है कि आप भी पौड़ी से हैं जी, और मैं भी पौड़ी से हूँ। तो खासतौर पे जो पौड़ी के लोग होते हैं उनको प्रोत्साहित करने का थोड़ा दिल से प्रयास ज्यादा रहता है। तो कैसा लगता है आपको पौड़ी में जो आपकी परवरिश हुई, वहाँ पे जो गायन के क्षेत्र में वहाँ पे आपके सीनियर्स रहे होंगे, कौन लोग थे जिन्होंने आपको वहाँ प्रोत्साहन दिया वहाँ पे? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। अगर जहाँ पौड़ी की बात आती है तो ऐसे लगता है कि हम लोग पौड़ी में ही पहुँच गए हैं। बहुत सी ऐसी यादें हैं, छोटे से हम लोग वहाँ बड़े हुए हैं, तो इतनी सारी यादें हैं कि वो बताई नहीं जा सकती। बहुत सारी यादें हैं पौड़ी के साथ जुड़ी हुई। तो अगर म्यूज़िक के बारे में बात करूँगी तो मैंने वहाँ पर जो म्यूज़िक सीखा है, मैंने भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय में सीखा है। और इसके साथ वहाँ पर मेरे गुरुजी हैं श्री मोहन सिंह रावत जी, उनसे मैंने शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा ली है। उसके अलावा मैंने फोक संगीत भी सीखा है अनिल वस्ती से, उन्होंने भी फोक सिखाया है। और काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं, मतलब जब मैं शायद 8 साल की थी तब से मैं लोक संगीत के क्षेत्र में कार्य कर रही हूँ और तब से अनवरत वो चला आ रहा है। उसके साथ साथ मतलब मुझे लगा कि अब हमें शास्त्रीय संगीत भी सीखना चाहिए उसके साथ, तो उसका जो एक समावेश होगा वो बेहतर हो पाएगा। हम अपने एक लोक संगीत को शास्त्रीयता से जोड़ते हुए हम जो देखते हैं तो वो एक उसे एक नया दृष्टिकोण हम लोगों को मिलेगा, तो इसलिए मैंने शास्त्रीय संगीत भी सीखा है। तो इस तरह से ये निरंतर चलता है। ये आपने अभी हाल ही में PhD भी की है? जी बिल्कुल। तो उसमें सब्जेक्ट क्या था आपका? मेरा सब्जेक्ट है ये उत्तराखंड के होली गीतों के ऊपर मैंने PhD की है, उत्तराखंड की होली का शास्त्रीय अध्ययन एवं गेयात्मक स्वरूप। तो जो उत्तराखंड के जो क्षेत्र हैं कुमाऊं और गढ़वाल दोनों क्षेत्र में जो होली गाई जाती है, होली गायन है, उस परंपरा को एक शास्त्रीय दृष्टिकोण से हम लोग कैसे देखते हैं, उसमें किन किन रागों का समावेश हुआ है, किन किन तालों का समावेश हुआ है, क्या उसका एक इतिहास रहा है, इन सभी के ऊपर। और होली गीतों का कुछ संग्रह है उसमें मैंने काफ़ी किया है, तो उन सभी चीज़ों को लेकर मैंने अपना शोध कार्य पूर्ण किया है। क्योंकि आप गायक हैं और जो हम इंटरव्यू ले रहे हैं मकसद यही है कि आप आपसे कुछ सुने हों, तो शुरुआत आप जहां से भी करना चाहें, शास्त्रीय से या गढ़वाली फोक से या कोई गजल, जो आपकी मर्जी हो, कुछ चार लाइनें। बिल्कुल शुरुआत तो मैं गढ़वाली से ही करना चाहूंगी। बिल्कुल गढ़वाली बेटी होना चाहिए, हम गढ़वाली चाहें। बिल्कुल गढ़वाली से। तो जो मुझे एक याद आ रही है कि जो हम लोग अक्सर थड़िया गाया करते थे, उसमें चौपालों में जो गाते थे बैठ के किसी पंचायती एक आंगन में इकट्ठा हो गए, तो वो मुझे अभी भी याद आता है कि हम लोग गांव जाते थे तो हम लोग गाते थे वो लाइनें। बड़ा अब वो इतना मिस करते हैं हम लोग उस चीज को, जब यहाँ से हम लोग दूर हो जाते हैं तो फिर वो उस चीज की वैल्यू ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या मिल गया है। तो वही चीज मैं गाना चाहूंगी, अच्छा लाइन है ये, झुमेलो है जो मैं गा रही हूँ। आई पंचमी वे झुमेलो, आई पंचमी वे झुमेलो, जो का होला भाई वे झुमेलो, सुमेत जाली झुमेलो, आई पंचमी बे झुमेलो, आई पंचमी बे झुमेलो, जो का हो
बिहार का गौमा आप ले जाएं ये झूमेले का माध्यम से हमसे। जी जी बिल्कुल, बहुत आनंद है। अब आते हैं दूसरों एक बार, अब कुछ शास्त्रीय या बिन आपकी गजल भी सुननी। जी जी जी, तो कुछ बिल्कुल जी जी, एक गजल में सुनो। जी गजल माँ कुछ गड़बड़ी गजलों में अभी हमें काम करना चाहो तो वो भी नहीं, अब आप तो सुना लो बाद में, तो पहले भी सुना था आपने किन्हीं गजल सुना लो। इसको सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि हमें बोले आपसे कि आप बस गाते ही रहो लेकिन बहुत सारी रचनाएं हैं, बहुत अलग अलग क्षेत्रों में आपने काम किया है। जयशंकर प्रसाद जी की रचना सुनी मैंने आपकी, अगर जी जी याद जी हो, मुझे काफी अच्छी लगती है वो। जी जी, अगर उसे जी बिल्कुल तुमुल कोलाहल कलह में सुन हृदय की बात मन। जी जी तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की
चंचल खोजती जब नींद के पल, विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल, चेतना थक सी रही तब मैं मल की बात रे मन, तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। गंभीरता जो है इस उसमें रचना में शंकर प्रसाद जी की, तो कहीं ना कहीं ये भी जिस तरह से आप दिल्ली में रहती हैं तो पहाड़ की जब आपको याद आती होगी तो शायद आप यही गुनगुनाती हैं कि कोलाहल में कहां आप पहाड़ की वादियों से आ गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी मन करता है कि वापस लौट चलें पहाड़ में? हाँ बिल्कुल लगता है। एक्चुअली हम लोगों की जो परवरिश है वो पहाड़ों से ही है। हम लोग वो पहाड़ की गोद में पले बड़े हैं और उसी की गोद में बड़े हुए हैं, तो वो अक्सर वो चीजें लगती हैं कि हम लोग इस कोलाहल में आ गए हैं, बड़ा शोर शराबे में आ गए हैं, तो वो चीज लगती है कि हाँ बिल्कुल एक बार तो लौटना चाहिए उस तरफ फिर से, वो चीज लगती है हमेशा। चलिए भगवान करे कि आपको कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ उत्तराखंड में मिले। बिल्कुल, जिससे कि आप लौट आए यहाँ पे। हम भी चाहते हैं कि हमारे जो भी पहाड़ के लोग बाहर चले गए, चाहे वो कलाकार हैं या कहीं काम कर रहे हैं दिल्ली या बाहर, वो पहाड़ में आए और पहाड़ यहाँ काम किया जा सकता है। बिल्कुल, गायकी के क्षेत्र में किया जा सकता है। बिल्कुल कार्य किया जा सकता है। एक्चुअली जब मेरा यहाँ से जाना हुआ था तो म्यूजिक फील्ड में भी इतना बहुत ज्यादा हम लोग गाते थे, लेकिन एक तरह से हम ये कहें कि हम इसी को एक जीविका उपार्जन का साधन बनाए, वो चीज नहीं था, वो चीज बहुत कम थी। तो उसकी खोज में हम लोग को जाना ही पड़ा बाहर, चाहे वो नौकरी के लिए हो, जॉब के लिए हो, कोई भी अपनी जगह छोड़कर, जड़ें छोड़कर कोई जाना ही नहीं चाहता। वो कहीं ना कहीं उसकी कोई ना कोई मजबूरी होती है कि उसके तहत उसे जाना पड़ता है, अदरवाइज कोई भी नहीं मुझे लगता इतनी अच्छी जगह को छोड़ के जाना चाहेगा कभी। कुसुम जी, गायकी के अलावा आपके और क्या क्या अचीवमेंट है, क्या क्या करती हैं आप? जी अचीवमेंट तो ये है कि मैं कंपोजर भी हूँ, मैं कंपोजिशन भी करती हूँ और मैं लिरिक्स लिखती भी हूँ, एक राइटर भी हूँ, चाहे वो गढ़वाली है चाहे वो हिंदी गज़लें हैं, दोनों ही चीज़ें मैं लिखती हूँ। और जो ज़्यादातर मेरी अचीवमेंट है वो म्यूज़िक में ही है। मुझे अभी हाल में ही इसका स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन जो उनका एक अवार्ड होता है उससे भी सम्मानित किया गया है, और 2015 में वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मुझे दिल्ली में मिला है गायनोकोलॉजिस्ट फॉर्म से। और उसके अलावा 96-98 उसमें तब मैं काफ़ी छोटी थी, गढ़वाल में रामनगर में बेस्ट गायिका का प्राइज तब भी मिला था। उसके अलावा छोटे बड़े प्राइज मिलते रहे, अभी और प्राइज मिलेंगे आपको, और बड़े मिलेंगे, शुभकामनाएं आपको। जी बिल्कुल। आप गढ़वाली में आपने गजल भी लिखी है जी, तो अगर वो गजल आप सुना दे, क्योंकि ये अलग सी चीज है गढ़वाली में गजल। जी जी जी। आज जी कुड़ी की बात बिगऊं ते सनी, आज जी कुड़ी की बात बिगऊं ते सनी, आँखों मा जांदी रात दिखाऊं ते सनी, आँखों मा जांदी रात दिखाऊं
कुसुम जी, बहुत लंबे समय तक बातचीत हो सकती है, बहुत कुछ सुना जा सकता है आपसे, लेकिन हम जो इंटरव्यू है एक संक्षिप्त रखना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी इतना वक्त भी आपके पास नहीं है, कल आपको जाना है वापस। तो एक रचना और जो भी आपको पसंद हो प्लीज सुना दीजिए। जी बिल्कुल, ये मेरी पसंदीदा रचनाओं में से है, ये गजल मैं आपको सुनाती हूँ। अशआर मेरे यूं तो जमाने के लिए हैं, अशआर मेरे यूं तो जमाने के लिए हैं, कुछ शेर फकत उनको सुनाने के लिए है, कुछ शेर फकत उनको सुनाने के लिए है। अशआर मेरे यूं तो जमाने के लिए हैं, अशआर मेरे यूं तो जमाने के लिए हैं। अब ये भी नहीं ठीक के हर दर्द मिटा दे, अब ये भी नहीं ठीक के हर दर्द मिटा दे, अब ये भी नहीं ठीक के हर दर्द मिटा दे, कुछ दर्द कलेजे से लगाने के लिए है, कुछ दर्द कलेजे से लगाने के लिए है। अशआर मेरे यूं तो जमाने के लिए है, आंखों में जो भर लेंगे तो कांटों से चुभेंगे, आंखों में जो भर लेंगे तो कांटों से चुभेंगे, आंखों में जो भर लेंगे तो कांटों से चुभेंगे, आंखों में जो भर लेंगे तो कांटों से चुभेंगे। ये ख्वाब तो पलकों पे सजाने के लिए है, ये ख्वाब तो पलकों पे सजाने के लिए है। अशआर मेरे तो जमाने के लिए है। गजब। तो ये डॉक्टर कुसुम भट्ट जी थी, पौड़ी की पैदाइश, आज पूरे देश में आपका नाम है, आप चमक रही हैं, और हमारी जागो उत्तराखंड की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामना है कि आप देश ही नहीं पूरी दुनिया में अपना नाम करें, और जब आपका नाम होगा तो पौड़ी और उत्तराखंड का नाम तो वैसे ही हो जाएगा। धन्यवाद। जी।